हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 5। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, विंग को लग रहा था कि लंजा वहाँ पर ही हैप्पी रहेगा, इसलिए वो वहाँ से चला गया। जब विंग जंगल से गुजर रहा था, उसको लग रहा था जैसे उसके पैर रुक चुका है और आगे नहीं बढ़ना चाहता। बट उसने अपने आप को नहीं रोका और ना ही पीछे मुड़कर एक बार भी देखा। उसके आंखों से कंटिन्यू टीयर्स गिर रहे थे। वो अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसको हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। वो रात में भी ट्रैवल करता था। जब भी कोई पपेट्स उसको डिस्टर्ब करता, वो बांसुरी बजाता और वो पपेट्स वहाँ से चला जाता। दिन गुजरते जा रहे थे एंड विंग भी वीक होता जा रहा था। ना वो ठीक से खाना खाता था और ना ही वो ठीक से सो पाता था। जब भी वो अपनी आँखें बंद करता था, उसको वांगशियान की चेहरा याद आता था। वही चेहरा, वही गोल्डन आइज, बट वो इंसान उसको प्यार नहीं करता। तभी विंग कोई ऐसा जगह जाता जहाँ पे उसे कोई नहीं सुन सकता और वो वहाँ पे बहुत चिल्लाता। उसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, बट उसे बहुत दूर जाना पड़ेगा। उसका हार्ट उसे कहता था कि नहीं, ये सब सपना है। वो जब क्लाउडस वापस जाएगा, वहाँ पे लंजा उसके लिए वेट कर रहा है, उसको हग करेगा टाइटली। बट विंग को पता है कि ये ड्रीम नहीं है। लंजा अब लंजा नहीं रहा, लंजा अब वांगशियान है। और वांगशियान को कुछ भी याद नहीं, ना उसका फैमिली, ना उसका होम और ना ही उसका विंग। बट वो बहुत हैप्पी है। विंग ने उसका बिग स्माइल देखा एंड विंग को पता है कि विंग सही कर रहा है। लंजा ने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस की है, अब विंग की बारी है। सो विंग आगे बढ़ता रहा। बहुत हफ्ता ट्रैवल करने के बाद विंग ने नोटिस की कि वो अब क्लारिसस वापस आ चुका है। बट उसे हर जगह लंजा दिखाई दे रही है, उसका वॉइस उसे सुनाई दे रहा है। तभी पीछे से लांसेजुई ने चिल्लाया, मास्टर वी। विंग का विजन ब्लर हो रहा था, उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया और वो नीचे गिरने ही वाला था कि उसके सर ने उसको पकड़ लिया। सिजुई कंटिन्यू चिल्लाता रहा, सीनियर हुई, सीनियर हुई। तभी सिजुई ने फील किया कि विंग को बहुत ही बुखार है। और तभी सिजुई ने यह भी नोटिस किया कि विंग बहुत ही वीक हो चुका है। उसका खुद का कपड़े उसके बॉडी में साइज में बड़ा लग रहा है। लान सिजुई तो पैनिक हो गया। उसने विंग को उठाया और जिंगसी में लेके गया और साथ ही साथ उसने जेबोजुन को भी बुलाया। विंग ने सिजुई की तरफ एक बार देखा और कहा, मैं वापस आ गया। और फिर वो अनकंसियस हो गया। एक मंथ हो चुका था, विंग ने अपना आंखें नहीं खोला। उसको सुनाई देता था कि बहुत सारे लोग उसके आसपास बातें कर रहे हैं, उसके लिए वरिड है। बट उसको आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने आंखें खोला तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे। बट उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्या कहेगा वो। एक दिन उसने आंखें खोला और देखा लान सिचेन उसके पास बैठा है। उसके हाथ में एक फूड का ट्रे है और वो विंग की तरफ एक जेंटल स्माइल दिया और कहा, मास्टर वी, मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप हमारे साथ हैं। बट विंग ने अपना फेस टर्न कर लिया। जिबोजुन को पता है कि कुछ तो गलत बात है, बट विंग अगर कुछ ना बोले तो वो सिर्फ गेस ही कर सकता है कि क्या हुआ है। अभी इम्पोर्टेंट है विंग का हेल्थ। जिबोजुन को पता है कि विंग का बॉडी अब रिकवर कर रहा है, पर उसका माइंड रिकवर नहीं कर रहा। जिबोजुन जानना चाहता था कि क्या हुआ है विंग के साथ, क्या उसे पता है वांगजी कहाँ है। बट अभी उसको हड़बड़ी करनी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा, विभूषियन प्लीज़, चाहे जो भी हुआ हो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बोले, हम सब आपके साथ हैं। बट विंग ने कुछ भी नहीं बोला, वो साइलेंट था। जब जेबोजुन ने देखा कि विंग ने कुछ भी नहीं बोला, तो उन्होंने सोचा कुछ डिफरेंट करने का। उन्होंने कहा, लान सिजुई आपके लिए बहुत ही वरिड है, उसे अच्छा लगेगा अगर मैं उसको जाकर कहूँ कि आप जाग गए हैं, मैं उसे अभी जाकर बताता हूँ। तब विंग ने कहा, नहीं वेट। जेबोजुन ने विंग की तरफ टर्न की और देखा विंग उठने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उसको हेल्प किया। वो वेट कर रहे थे कि शायद विंग कुछ बोलेगा, बट विंग ने कुछ भी नहीं बोला। अब जेबोजुन अपने आप को रोक नहीं पाए,
उन्होंने पूछा, क्या आपने वांग जी को ढूंढ लिया? वेंग ने कहा, नहीं। वो जेवोचुन की आंखों में नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर वो देखेगा तो शायद जेवोचुन उसके झूठ को पकड़ लेंगे। जेवोचुन ने वेंग के हाथों को जेंटली पकड़ा और कहा, हमारे पास अभी भी होप है। वेंग के आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहा था। नेक्स्ट कुछ हफ्ते जेवोचुन और लान सिजुई ने वेंग का बहुत ख्याल रखा, बट वेंग कुछ भी नहीं खाता था। वो लोग उसको इनकरेज करने की कोशिश करते थे ये बोल के कि उसे जल्दी ठीक होना पड़ेगा और लंचा को ढूंढना पड़ेगा, बट वेंग चुपचाप बैठा रहता था। जब से वो वापस आया है तब से उसने 10 वर्ड्स तक नहीं बोला। अब वेंग को सफोकेशन फील होता था क्लारिसस में, उसे सिर्फ लंचा की ही याद आती थी, उसे हर जगह लंचा दिखाई देता था। उसे लगता था कि लानसिचेन एंड सिजुई उसको हेट करता है, बट उसे पता है कि ये सब उसका ही थॉट है, बट उसे लग रहा था कि अब वो पागल हो रहा है। वो अपने आप से कहता रहा, क्या मैंने ठीक किया? ऑफ कोर्स मैंने ठीक किया, लंचा फाइनली हैप्पी है, मैं उसको और पेन नहीं दे सकता। क्या मैं उसे एक बार फिर से देख कर आऊँ? नहीं, वो हैप्पी है तुम्हारे बिना। यू इडियट, अब तुम्हें उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। बट मुझे पता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही पेनफुल है। एक दिन वेंग ने डिसाइड की कि अब वो नहीं सह सकता और वो वहाँ से जाने लगा क्लारिसस छोड़ के। जेवोचुन ने वेंग को जाते हुए देखा और पूछा, मास्टर वी अब कहाँ जा रहे हैं? वेंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। उसके आंखों से कंटिन्यू टीयर्स गिर रहे थे। जेवोचुन ने कहा, मास्टर वी हमारे लोग रोज़ उसको सर्च करता है, आप भी ठीक हो जाइए फिर आप भी उसको सर्च करेंगे। क्या होगा अगर वांग जी वापस आ जाएगा और आपको यहाँ पर नहीं देखेगा तब? वेंग को पता है कि ये कभी नहीं होगा। उसने कहा, जेवोचुन मैं अब नहीं सह सकता, मैं हर जगह जाती हूँ, हर जगह उसको देखता हूँ, एवरी स्मेल जो मेरे नोज़ में आता है, एवरी साउंड जो मेरे कानों में आता है, मैं सिर्फ उसको ही फील करता हूँ, मैं अब नहीं सह सकता, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जेवोचुन ने वेंग के शोल्डर्स में हाथ रखा। वेंग ने कहा, बहुत सारे मेमोरीज है, वो मेमोरीज मेरे अंदर ही अंदर बहुत ही पेन करता है, जो मैं नहीं सह सकता। जेवोचुन ने वेंग की तरफ देखा और अपने आंखें झुका ली। उन्हें पता है कि वेंग और लंजा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पावरफुल एंड ब्यूटीफुल है। उन दोनों का बॉडीज तो अलग है पर सोल एक ही है, और अब हाफ सोल कहाँ चला गया है? जेवोचुन ने पूछा, अब कहाँ जाएंगे? वेंग ने कहा, यांगमिंग, मैं अपना घर जाऊँगा। जियांगचेंग लोटस डॉक के गेट पे वेट कर रहा था उसके भाई के आने के लिए। उसने एक बोट को आते हुए देखा, बट वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। बहुत साल हो गए उन दोनों को एक साथ रहते हुए, एंड जियांगचेंग को पता है ये कोई हैप्पी वाला रियूनियन नहीं है। जेवोचुन ने उसको ऑलरेडी वार्न किया है और उसको ये भी बताया है कि लांग वांग जी बहुत दिनों से मिसिंग है। वेंग ने वांग जी का बहुत सर्च किया पर वो अकेले वापस आया, इसलिए वेंग का माइंड भी अभी ठीक नहीं है। जब बोट किनारे आया तो जियांगचेंग ने देखा वेंग वहाँ पर बैठा हुआ है, बट उसके फेस में वो स्माइल नहीं है जो जियांगचेंग को हमेशा एनॉय करता था। उसका बॉडी बहुत ही वीक है, उसका क्लोथ्स बहुत ही डर्टी है। जब वेंग ने जियांगचेंग की तरफ देखा, जियांगचेंग ने देखा कि वेंग का फेस एक घोस्टली फेस बन गया है, उसके डार्क सर्कल्स आ गया है। जिस आंखों में पहले जान रहा करता था अब उस आंखों में सिर्फ लोनलीनेस है। उसने ऐसा आंखें पहली भी देखा है, इसलिए उसको बहुत डर लग रहा था। उसने कहा, वेलकम होम आशियान। उसने वेंग को हेल्प किया और तभी उसने देखा कि वेंग कितना थिन बन चुका है, उसका बॉडी का वेट एक बच्चे की तरह बन गया है। क्या हुआ, गुसु का फूड अभी भी पसंद नहीं है तुम्हें जो तुम इतना थिन बन गए हो? जियांगचेंग ने एक स्माइल किया और कहा, बट वेंग ने उसकी तरफ नहीं देखा।
वो सिर्फ चलने लगा अपने घर की तरफ। जियांगचान उसके पास आया और उसको पकड़ा। उसे डर लग रहा था कि विंग कभी भी गिर सकता है। विंग अपने रूम में गया और अपने पुराने बेड पे सो गया। अपने जूते तक उसने नहीं उतारा था। उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे थे। जियांगचान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे विंग को कंफर्ट करे। उसने अपने पूरे लाइफ में विंग को ऐसा कभी भी नहीं देखा था। जियांगचान के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट उसे पता है कि अभी सही टाइम नहीं है। उसने लविंगली विंग के जूते उतारे, उसको ब्लैंकेट से कवर किया और रूम से निकल गया एंड दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। विंग बहुत दिनों तक अपने रूम से नहीं निकला। वहाँ के स्टाफ्स उसके रूम पे रोज़ खाना और क्लीन कपड़े देके जाते थे, बट एंड ऑफ द डे वो देखते थे कि विंग ने खाना बहुत ही कम खाया है और उसने क्लोथ्स को टच तक नहीं किया। जियांगचान से अभी विंग का ऐसा हालत नहीं दिखा जाता। उसने बहुत वेट की कि शायद विंग खुद से कमरे से बाहर आ जाए, बट विंग ने नहीं गया। तो जियांगचान अब इम्पेशेंट हो रहा था। वो विंग के रूम में चला गया और कहा, विवुशियान अब बहुत हो गया है, चाइल्ड बनना बंद करो और अपने आप को ठीक करो। क्या तुम्हारे लंजा तुम्हें ऐसा देखना चाहता है? नहीं तो फिर? उसने क्लीन क्लोज विंग की तरफ फेंक कर दिया और कहा, जल्दी से ये कपड़े पहनो और मुझसे मीट करो ट्रेनिंग ग्राउंड में, हमें तुम्हारा स्ट्रेंथ को वापस लाना है। विंग ने जियांगचान की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक देकर देखा। तभी जियांगचान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस कंडीशन में अपने पार्टनर को ढूंढ पाओगे? विंग तो चौंक ही गया। क्या जियांगचान ने पार्टनर बोला? क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि जियांगचान लंजा को हेट करता है। तभी जियांगचान ने बोला, तुम जितना वेट करोगे तुम उतना उसे खो दोगे, अब जल्दी से उठो। विंग ने फ्लोर की तरफ देखा और कहा, वो वापस नहीं आएगा। जियांगचान ने कहा, क्या मेरे भाई तुम्हें ये कैसे पता है? जेवोचुन ने कहा कि वो मिसिंग है और तुम अपने ट्रिप में उसे नहीं ढूंढ पाए। तभी उसने देखा विंग उसकी तरफ देख रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग ने कहा, वो नहीं आ रहा है वापस, विंग ने चिल्ला कर कहा। विंग का ऐसे लाउड वॉइस जियांगचान को तो बहुत ही डरा दिया था। जियांगचान विंग के पास बैठा, उसके शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, तुम्हें ये कैसे पता है आशियन? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूँ। विंग उसके आंखों की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता हो बट नहीं बोल पा रहा हो। विंग को ऐसे देख के जियांगचान ने कहा, तुमने उसे ढूंढ निकाला, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये बोल के जियांगचान ने उसको हक किया। विंग ने नोट किया। जियांगचान ने कहा, फिर लांगवांग जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? ऐसा क्या हुआ जो वो तुम्हें छोड़ के चला गया? विंग ने धीरे से कहा, वो हैप्पी है। जियांगचान ने कहा, पागल हो तुम, वो कैसे हैप्पी रह सकता है तुम्हारे बिना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि लांगवांग जी ने तुम्हें छोड़ दिया है, कभी भी नहीं हो सकता। मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है आशियान, अभी के अभी? विंग ने बोलना स्टार्ट किया। उसने कहा, उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा। जियांगचान को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, क्या क्यों? विंग ने कहा, वो अपना मेमोरी खो चुका है उस गांव वाले की तरह। उसे ये तक पता नहीं कि वो कौन है, उसे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मेरा लंजा चला गया है, अब वो एक डिफरेंट इंसान है। ये बोल के विंग वांगशियान के फेस को रिमेम्बर कर रहा था और उसने एक स्मॉल स्माइल की, बट वो स्माइल जल्दी फेड हो गया। जियांगचान ने नोटिस भी नहीं किया। विंग ने कहा, वो हैप्पी है, मैं उसको अपने पेनफुल वर्ल्ड में वापस नहीं ला सकता जहाँ पे बहुत सफरिंग्स है, डेथ्स है। तभी जियांगचान ने कहा, एंड प्यार? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने उसे छोड़ दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो?
वेंग को बहुत शौक लगा और वो कंफ्यूज लुक से जियांग चांग को देख रहा था। क्या जियांग चांग उसे डांट रहा है? बट उसने क्या किया, क्यों? वेंग तो लंचा को हैप्पीनेस दिया है, फिर जियांग चांग अपसेट क्यों है उससे? जियांग चांग ने वेंग का कंफ्यूज लुक देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है लंचा को वहाँ पे छोड़ के जहाँ पर वो हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जी रहा है ना? विंग ने नोट किया। जियांग चांग ने कहा, वेल मुझे तुम्हारा दोनों टांगे ना तोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम एक स्टूपिड हो। जियांग चांग बहुत ही गुस्सा हो गया था। उसने कहा, अगर तुम लांगवांग जी की जगह होते और लांगवांग जी तुम्हारी जगह, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आ जाता? तुम्हें इस वर्ल्ड पे वो अकेले सफ़र करने देता और वो तुम्हारे साथ नहीं रहता? अगर तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहा, क्या फिर भी तुम उसके बिना लाइफ जीना चाहोगे? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वहाँ पे छोड़ के आ जाता? क्या वो तुम पे इतना इजीली गिव अप कर देता? मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा है, तो मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाओगे। अगर लांग वांग जी तुम्हें अभी ऐसे देखेगा, क्या वो हैप्पी होगा? क्या वो ये कभी भी चाहता था कि तुम उसे छोड़ दोगे और वो हैप्पीली जिएगा और तुम ऐसा मीनिंगलेस लाइफ जियोगे? वुइंग अब साइलेंट हो चुका था। अब वुइंग को अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। जियांग चांग ठीक कह रहा है, वो स्टूपिड है। वो जल्दी से खड़ा हुआ और अपने ब्रदर को हग किया। फिर वो जाने लगा, तभी जियांग चांग ने कहा, ओ मेरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? वुइंग ने प्राउडली कहा, मैं लंजा को वापस लेने जा रहा हूँ। जियांग चांग ने कहा, नहीं, इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा एंड तुम्हारे स्ट्रेंथ को वापस लाना पड़ेगा। मुझे पता है अगर लांगवांग जी तुम्हें ऐसे कंडीशन में देखेगा तो सबसे पहले वो मुझे मार डालेगा। विभूषण ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो वाचेंग, थैंक यू। विंग के फेस में स्माइल थी। जियांग चांग को अब रियलाइज़ हुआ कि उसके भाई अब वापस आ गया है। अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता अपने लव को फाइंड करने में। हे गाइस, तो कैसा लगा आज का पार्ट? आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा हो। आपको क्या लगता है, विंग लंजा को ढूंढ पाएगा या लंजा को कुछ याद आएगा विंग के बारे में? चलो वेट करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।